हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः त्रयोविंशतितमः श्लोकः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। हे गुरुदेव, आपके दर्शन करते ही अंतःकरण अति प्रसन्न हो गया है, क्योंकि एक शिष्य को गुरु का शरण मिल जाता है तो सारे संशयों को गुरुजी संपूर्ण रूप से समाधान और संशयों का निर्मूलन कर देते हैं। गुरुदेव, मुझे एक शंका सता रही है कि जब तक सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा इस अवनितल पर थे, तब तक तो हर तरह से मंगल था, हर तरह से खुशी थी, और खुशी के माहौल में कौन भला रहना नहीं चाहता है। लेकिन परमात्मा ने सच्चिदानंद घन स्वरूप जगन नियंता भगवान श्री कृष्ण ने सर्वेश्वर कृष्ण योगेश्वर कृष्ण और ऐसे योगेश्वर महाप्रभु कृष्ण ने जब ये धरातला छोड़ दिया, धरातल को छोड़ दिया, तब गुरुदेव धर्मः कं शरणं गतः, ये जो धर्म है वह किसके शरण में गया। क्योंकि भगवान थे तब तक तो चिंता नहीं थी, धर्म का वर्त्म था, ब्रह्मण्य ब्रह्मता और ब्राह्मण प्रियता, ब्राह्मण भक्तता, और ऐसे कृष्ण अर्थात कृष्ण के योगेश्वरे योगेश्वर के गते पृथ्वी को छोड़ के अपनी सारी लीलाओं को पूर्णतया संपादित करते हुए निज इच्छा से इस भूमंडल को छोड़ के जब भगवान अपने धाम में गए, उसके बाद ये धर्म किसकी शरण लिए हैं, धर्म वो किसकी शरण में रहे हैं, और वो सारा व्याख्यान गुरुदेव मुझे कृपा करके आप सुनाए। मुझे सही में लालसा जगी है, प्यास है, मुझे ये ज्ञान की पिपासा मेरी आप है, मुझे आप तृप्त करो। भगवान का गुण संकीर्तन, भगवान का कथा और भगवान के विविध आख्यान, भगवान की लीलाएं मुझे अनुदिन प्रेरित करती रहती हैं, और इसलिए मेरे मन की ये जिज्ञासा है। यूँ कहते हुए यहाँ पर जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंधे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं मम हरिः शरणं।